दोस्तों आज बारिश का मौसम है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह से ही हमारे यहाँ कंटिन्यूस बारिश बरस रही है। ऐसे तो गूगल बाबा तो बता रहे थे कि 1 तारीख से होगा तब तक हमारा काम निकल जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है मतलब बारिश हो रही है, ये अच्छी बात है। चलिए एक सवाल आता है कि भैया आप पत्ती का खाद कैसे बनाते हैं। जैसे अभी आपको फीडबैक का 2 वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत लोगों का कहना है कैसे बनाते हैं, या आपका खाद में इतना पावर कैसे है कि मरा हुआ पौधा भी जीवित हो जाता है, वो भी हरा भरा हो जाता है, उसके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी हम देंगे। तो आज का मौसम तो बहुत सुहाना है और जैसा कि दिखाई दिए है कि बारिश हो रहा, काम रुका हुआ है। तो एक लिप कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में छोटा सा डिटेल, या कहिए जो मेरा ज्ञान है उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। तो बताने से पहले कुछ दिखाते हैं या फिर समझाते हैं। वो तो बेड है जो ये इसमें बांस की पत्तियां हैं, उसमें मिक्स पत्तियां हैं दोनों को, एक को खुला छोड़ दिया था क्योंकि इसका प्लास्टिक का काम था और अच्छा भी है कि पानी से भींग जाएगा, अच्छे से भींग जाएगा, ये दोनों में बन रहा है। तो होता यूँ है, लीक कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस में ये होता है कि इसको पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ हम लोग डीप बोरिंग से पानी निकालते हैं जो एक खर्चीला होता है और उसमें पैसे भी ज़्यादा जाता है, जिसका एक ही सलूशन है पानी बचाओ। और जो हमारा मौसम के अनुसार पानी, जैसे बारिश का पानी है उसका उपयोग करो। तो इसका करने से 2 फायदा है, एक तो खर्चा बढ़ेगा, दूसरा हम लोग पानी का सही उपयोग करना सीख जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग बेड बनाते हैं उसमें एक नाली बनाकर एक ड्रम लगा देते हैं और ड्रम में वो जमा होते रहता है, और जब हम लोग को पानी की आवश्यकता होती है तो वही उन ड्रामों से निकाल कर हम लोग पत्तियों में छिड़क देते हैं या भिगा देते हैं, जिसके वजह से पत्तियों में भी एक उसका गुण आ जाता है और एक अच्छा खाद बनता है। एक चीज़ और है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी वो सब जो हमारा जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में, सॉइल में या खाद में जितना अधिक मात्रा में उनका जीवाश्म हो गए, जीवाश्म का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो मर गए खाद में ही, उसके शरीर वो पौधे ग्रहण करते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो जो भी हम लोग बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो पौधे में मिलाते हैं और वो उसमें जीवाश्म की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से जब हम लोग ये खाद किसी को भी देते हैं तो वो खाद टॉनिक के रूप में, शक्तिवर्धक के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। आप पौधों को ताकत मिलता है, जल्दी से बढ़ता भी है और फूल फल जो भी है वो आपको प्रदान करता है, आप लोगों को भी खुशी होता है। तो ये है प्रोसेस और ये है समझने का ये। तो हम यही समझते हैं कि भाई खाद तो बनना ही चाहिए, लेकिन इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होना चाहिए। जीवाश्म बोले तो बैक्टीरिया जीवाणु का मृत शरीर। आई जब ये खाद में होगा तो ये खाद एक नंबर का कहलाएगा और ये आपको पौधों को खुशियाँ देगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरे विचार से आपको सहमत होंगे। धन्यवाद।